समय के साथ परिवर्तन हर समाज में होता है और ये समाज का अस्तित्व बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी भी है। हमारे भारतीय समाज में भी समय के साथ अनेक परिवर्तन नजर आ रहे हैं, जिनसे महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर बेहद असर पड़ रहा है और अब वे पहले से ज्यादा सशक्त नजर आ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटियों द्वारा पिता का अंतिम संस्कार किए जाने की। कुछ साल पहले तक हिंदू समाज में अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ लड़कों को प्राप्त था, लेकिन अब इस परंपरा में काफी बदलाव आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र के परतवाड़ा शहर के संतोष नगर निवासी स्वर्गीय दिगंबर झाबूजी कलानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते 6 अक्टूबर साल 2019 को उनका निधन हो गया। संतोष नगर में पहली बार परंपराओं से हटकर अर्चना सुरेश वानखड़े और वंदना गजान खंडारे, इन दो बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। बता दें कि मृतक का कोई बेटा नहीं है बल्कि दो बेटियां हैं। शमशान घाट में उस समय लोगों के आंसू छलक पड़े जब दोनों बेटियों ने शमशान में रूढ़िवादी परंपराओं के बंधन को तोड़ते हुए अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। दोनों बेटियों ने बेटा बनकर हर फर्ज को पूरा किया। अंतिम संस्कार में वह रोती रही, अपने पिता को याद करती रही, लेकिन बेटे की कमी को हर तरह से पूरा भी करती रही। इसी के साथ बड़ी बेटी अर्चना का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें बेटों की तरह पाला है। वो दो बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है। उनके पिता ने कभी भी दोनों बहनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है और अब हम वे सभी कार्य करेंगे जो एक बेटे को करने चाहिए। वहीं इस मौके पर सभी रिश्तेदारों ने एक राय होकर दोनों बेटियों को पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आगे किया और मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। तो वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने कहा कि एक पिता के लिए इससे अच्छी अंतिम विदाई और क्या हो सकती है। जब पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया। कहा जाता है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बेटे के बिना माता पिता को मुखाग्नि कौन देगा। लेकिन अब ये बातें बीते जमाने की हो गई है। ये साबित कर दिखाया है महाराष्ट्र के संतोष नगर की इन दो बेटियों ने। न्यूज़ डेस्क।